नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। रतिया के भाजपा युवा मोर्चा मंडल के अध्यक्ष का किसी अज्ञात व्यक्ति ने फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया। इतना ही नहीं, इसके बाद आपत्तिजनक सामग्री भी डाल दी। अकाउंट होने का पता चला तो भाजपा युवा मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष केशव सिंगला को इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को भी दी है। पुलिस की साइबर सेल की टीम मामले की जांच में लगी है। दरअसल कल रतिया में उस समय सनसनी मच गई जब रतिया मंडल के भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष केशव सिंगला के फेसबुक अकाउंट को हैक कर लिया गया, जिसके बाद उस पर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री होने का पता चला। लोग एक दूसरे को मामले की जानकारी देते हुए दिखाई दिए। जब पूरे घटनाक्रम की जानकारी केशव सिंगला को मिली तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसका कहना था कि किसी व्यक्ति ने उसके अकाउंट को हैक कर लिया है। फिलहाल रतिया पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पलपल फतेहाबाद से विशेष रिपोर्ट। क्या मामला क्या है? मेरा नाम केशव सिंगला है जी, रतिया का रहने वाला हूँ। मामला जो है कि बीती रात मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था और कल रात को उस बंदे ने मेरे फेसबुक अकाउंट से अभद्र और अश्लील फोटो और वीडियो डाली गई, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे सगे संबंधियों का, मेरे मित्रों का, मेरे जानकार का, सभी का तरफ से फोन आ रहा है कि ये क्या है। तो मैंने उनको बोला कि मेरा अकाउंट हैक हो चुका है और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अभी FIR लिखवाने थाने में जा रहा हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस से अपील करता हूँ कि इस आदमी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाने चाहिए, ताकि आगे भविष्य में कोई ऐसी हरकत ना करे। पहले भी आप लोग देख चुके हैं कि नए कभी लोगों के अकाउंट हैक करके पैसे मांगते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, जो ये ऐसा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो मैं सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता हूँ। धन्यवाद। बीजेपी युवा मोर्चा के जो प्रधानमंत्री फेसबुक आई डी हैक कर ली गई है और उस अश्लील फोटो मामला सामने आया, तो क्या उसके देखिए, हमारे पास कंप्लेंट आई है। कंप्लेंट आके हम लोग इस मैटर को जांच कर रहे हैं। जांच में हमारे साइबर एक्सपर्ट है, जो आईटी एक्सपर्ट है, उनकी मदद लेके जैसे भी जो भी तथ्य सामने आएंगे, उन तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई बनने लग जाएगी।